गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 5 संस्कृत का अकारांत, पुल्लिंग, संज्ञा, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन पढ़ेंगे। आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि वचन, वचन जिसे एक संख्या को जो बताते हैं एकवचन, द्विवचन। एक संख्या का ज्ञात होता है तो एकवचन, बहुत सारी संख्या ज्ञात होता है तो बहुवचन। और संस्कृत के अंदर हमारे पास 3 वचन होते हैं, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी कि एक, दो और बहु, यानी कि बहुत सारे। देखिए यहाँ पर आप अपनी पुस्तक खोलिए और पार्ट 5 निकालिए और देखो, यहाँ पर एक वचन के शब्द दिए हुए हैं, द्विवचन के भी और बहुवचन के भी। देखो, हंसः, हंसौ, हंसः, एक वचन है, द्विवचन और बहुवचन। आगे है भक्तः, भक्तौ, भक्तः, वानरः, वानरौ, वानरः। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वस्तु के लिए एक वचन, दो वस्तुओं के लिए द्विवचन और 3 अथवा 3 से अधिक, या तो 3 हो या 3 से अधिक हो, उन सब वस्तुओं के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे एक वचन में आता है नरः, नरः यहाँ पर अ, अ अलंग बीच में पीछे क्या दिया हुआ है, अ स्वर, तो अ के पीछे विसर्ग लगा हुआ है, तो यह है नरः, यानी कि एक। द्विवचन नरौ, दो औ की मात्रा नरौ, यानी कि दो नर। बहुवचन नरः, आ की मात्रा के साथ विसर्ग आने वाले हैं तो वो बहुवचन होते हैं, नरः यानी कि बहुत सारे आदमी। आगे देखो, अकारांत, पुल्लिंग, मूल शब्दों के आगे विसर्ग जोड़ देने से एक शब्द वचन के शब्द रूप बन जाते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया कि विसर्ग लगने से एक वचन बन जाता है, यानी कि एक नर, ठीक है। उसके बाद है, यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, हंसः प्लस विसर्ग हंसः, गज प्लस विसर्ग गजः, यानी कि एक हाथी। पुनः इन मूल शब्दों में औ जोड़ देने से पुल्लिंग द्विवचन के शब्द रूप बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है मैंने नरौ, यहाँ पे नर के अंदर औ की मात्रा आ गई तो ये बन गया नरौ, यानी कि दो नर, ठीक है। अब यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, हंस प्लस औ हंसौ, गज प्लस औ गजौ, यानी कि दो हाथी। पुल्लिंग अकारांत, मूल शब्दों में आ और विसर्ग जोड़ देने से वे पुल्लिंग बहुवचन के शब्द रूप बन जाते हैं। यहाँ मैंने उदाहरण दिया है नर, नर के आगे मैंने आ की मात्रा लगाई और विसर्ग लगाया तो ये बन गया नरः, यानी कि बहुत सारे आदमी। पुस्तक में देखो, हंस प्लस आ प्लस आह, ये विसर्ग को हम अह बोलते हैं तो ये बन गया हंसः, गज प्लस आ प्लस विसर्ग गजः, यानी कि बहुत सारे हाथी। ध्यान रहे कि पुल्लिंग अकारांत मूल शब्द में केवल विसर्ग लगाने से एकवचन और आ के साथ विसर्ग लगाने से बहुवचन शब्द रूप बन जाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ एकवचन का उदाहरण दिया है, बालकः, अश्वः, व्याघ्रः। अब इसके में आ की मात्रा जोड़ने से क्या बन गया, बहुवचन, बालकः, अश्वः और व्याघ्रः, ठीक है। ये है हमारे एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ इस शब्दों को वचन के अनुसार छांटें। ये आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ जिसमें आपको समझ में आएगा कि एकवचन, द्विवचन और बहुवचन कैसे अलग अलग करना है। देखिए यहाँ पर वृषः, शशकः, सैनिकः, वृद्धः, हंसः, कुर्मौ, चंद्रः, कर्णौ, तारकः, ठीक है, ये शब्द दिए हुए हैं। एक वचन के अंदर यहाँ पर हमने लिया है वृद्धः और चंद्रः, यहाँ पर अ और विसर्ग है तो यहाँ पर क्या बन गया, वृद्धः, चंद्रः, एक वचन, ठीक है। उसके बाद है द्विवचन, कुर्मौ और कर्णौ, यहाँ पर औ की मात्रा जोड़ने से ये क्या बन जाते हैं, द्विवचन, यानी कि दो कछुए और दो कान, ठीक है। उसके बाद है बहुवचन, यहाँ पर बहुवचन है आ की मात्रा के साथ विसर्ग जुड़ने से बहुवचन शब्द रूप बन गए हैं। यहाँ पर बहुवचन दिए हैं वृषः, शशकः, सैनिकः, हंसः, तारकः, ठीक है। ये आपका लेसन है संज्ञा में एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। इस लेसन में 3 वचनों का बारे में बताया गया है और आपको समझा दिया मैंने कि एकवचन कैसे है और द्विवचन और बहुवचन किस तरह से हम पहचान सकते हो, ठीक है। इस पाठ को देखना और पढ़ना और PDF में आपको इसके क्वेश्चन आंसर दे दिए जाएंगे। थैंक यू।